बॉडी रोल नहीं करनी है, कितने अच्छे और शेप में आ रहे हैं, मेरे को कुछ और नहीं दिखता जब मैं जिम में होता हूँ, ऐसे जो कि बहुत फेमस एक्सरसाइज है, बहुत नहीं था और गुरुजी हमारे बहुत। तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और आज अपनी कौन सी एक्सरसाइज होगी, आज अपनी शोल्डर पे एक्सरसाइज करेंगे। थोड़ी सी तबीयत खराब है, आवाज से लग भी रहा होगा। तो आज कौन सी है, जैसे कि मैंने बताया आज शोल्डर से रिलेटेड अपना वर्कआउट करेंगे। इसमें तीन एक्सरसाइजेस बताएंगे जो आप लोगों के लिए, मैं बताऊंगा आज कौन कौन सी होंगी उसमें, और ये आप अपने रूटीन में ऐड ऑन कर सकते हैं अच्छे शोल्डर की शेप के लिए, अच्छे ब्रॉडनेस लाने के लिए। तो चलो अपना पहले मैंने वार्म, ऑलमोस्ट मेरी एक्सरसाइज हो चुकी है क्योंकि टाइम कम था, तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो मैंने कहा हल्का फुल्का एक्सरसाइज कर लेता हूँ पहले, फिर आप लोगों के साथ कंटिन्यू बनाएंगे अपनी अब जो वीडियो होगी वो। तो आज पहले मैं जो शोल्डर पे मैंने पहले वार्म अप लिया था, मैंने फ्री वेट रॉड ले लिया था, तीन तीन सेट लिए थे जिसमें मैंने 9-9, 10-10 का रेपिटेशन निकाला। उसके बाद में मैंने साइड लेटरल के लिए अपने डंबल ले लिए थे 2.5 से 5 से, जितने आप निकाल सकते हो उतने आप निकालने की कोशिश करना ताकि अच्छे से पंप हो जाए। और दूसरी बात, थैंक यू सो मच कि यार आप लोग इतने अच्छे अच्छे कॉमेंट्स कर रहे हो। और किसी ने बोला था कि यार भाई आपका जो कैमरा मैन है वो बहुत, मतलब अमिताभ बच्चन की हाइट का, मैं क्या ऐसा नहीं है, वो अभी आता नहीं है, मुझे भी नहीं आता, उसको भी नहीं आता, तो वो थोड़ा सा हम कोशिश करते हैं कि अच्छे अच्छे एंगल्स ले लें, बट ठीक है अब नॉर्मल में बनाने की कोशिश करेंगे हम लोग आप लोगों के लिए। तो चलो जो पहली एक्सरसाइज होगी वो होगी, मैं करके दिखाऊंगा ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए और थोड़ा सा एडवांस होगा क्योंकि मैंने पहले कभी करी नहीं थी, लास्ट वीक मैंने की थी, तो आज वो करके दिखाऊंगा मैं आप लोगों को ताकि आप लोगों को अच्छे रिजल्ट्स आए, आपके लेटरल पे भी आएगा, आपके बैक साइड में आने के, आपके ट्रैप पे भी आएगा बहुत अच्छे से, पर ये बहुत केयरफुली करनी है आपके एक्सरसाइज। तो चलो चलते हैं अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज पे। तो गाइज अपनी जो फर्स्ट एक्सरसाइज होगी हम फ्रंट रोड पे लेंगे, फ्रंट रेज ले लेंगे, जैसे कि हर बार मैं या तो डंबल से ले लेता हूँ या फिर मैं ले लेता हूँ अपने किसी फ्री कर्ल वाली रॉड से, उसमें स्ट्रेट रहता है, बट इस बार थोड़ा सा लाइट वेट करेंगे। क्यों, इसमें मेरे को थोड़ा सा अपना जो ये वाला पोर्शन है ये थोड़ा सा डेवलप करना है, तो इस वजह से ये तो डेवलप होगा ही होगा आपका साइड, यानी कि साइड और फ्रंट हेड तो डेवलप होगा ही होगा, इसके साथ साथ आप लोगों का जो लेटरल होगा वो भी होगा। वो कैसे होगा, इसमें हमेशा हम लोग क्या करते हैं, फ्रंट लेते हैं, यानी कि फ्रंट यानी कि स्ट्रेट रहती है हमारी बॉडी और वो सिर्फ फ्रंट पे आता है। इस बार हम थोड़ा सा बैंड हो जाएंगे और इसकी हेल्प लेंगे ताकि आगे गिरे ना, और बिल्कुल लाइट वेट लेंगे। लाइट वेट इसलिए क्योंकि जब वेट नीचे जाता है तो हमें रेसिस करता है आगे की तरफ, तो हम पहले लाइट वेट लेंगे, लाइट वेट पर अच्छे से फोकस करेंगे, फोकस के साथ साथ स्टेबिलिटी रखेंगे, स्टेबिलिटी बनी रहेगी तो टेक्निक आएगी, और टेक्निक के साथ साथ ही हमारी जो बॉडी मसल होगी अच्छे से ग्रो होगी। तो चलो करके देखते हैं, मैंने लास्ट वीक की थी, मेरे को बहुत अच्छी लगी, तो इस वजह से मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए, और शेयर तभी करूंगा तब मुझे लगेगा कि ये सेफली कर पाओगे आप लोग। तो 2.5 और 2.5 का वेट लिया है मैंने, आप लोग भी 2.5 या जो भी आपको सही लगे ले, थोड़ा सा बैंड हो जाएं आप लोग और आपकी जो रिस्ट होगी इस तरीके से होगी, बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी, शोल्डर के अकॉर्डिंग रहेगी, ऐसे आए आप और आगे की तरफ आपको थ्रो करना है अपना वेट, यानी कि पुल करना है इस तरीके से। आप लोग ये ऐड ऑन करना अपने रूटीन में, शोल्डर की बहुत इफेक्टिव एक्सरसाइज है कसम से, बहुत अल्टीमेट एक्सरसाइज है, मतलब मैं बता नहीं सकता, पेन हो रहा है एकदम से ना, बहुत अच्छे से पंप आया है, मेरे ट्रैप्स भी बहुत अच्छा पंप आया है, फील कर सकते हो आप एक्सरसाइज पर प्रॉपर, क्योंकि मेरी बॉडी रोल नहीं होने दी। क्यों, आपके पास भी घर में कोई कुछ चीज़ें होंगी उसमें ऐड कर लेना ये वाला, ताकि आपको सपोर्ट मिले, बॉडी हिलेगी नहीं उसमें। तो ये अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज थी। दूसरी, तो गाइस अपनी जो दूसरी एक्सरसाइज होगी, पहले भी मैंने बताई आज फिर से मैं एक बार बता रहा हूँ, अगर आप लोगों के पास बेंच है
साइड लेटरल या साइड रेजेस इसको बोलते हैं, बट आज हम इसको थोड़े डिफरेंट वेरिएशन में बताएंगे, टेक्निक में बताएंगे, ताकि आप लोगों को बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले। अगर आप लोगों के पास ये है बेंच है तो इस तरीके से पीछे हो जाएं, बेंड कर लें पूरी बॉडी और थोड़ा सा और पीछे रहें, चेस्ट अपनी अप रखें, कमर जो होगी आपकी स्ट्रेट रहेगी एकदम, आप देख सकते हो शीशे में स्ट्रेट रहेगी एकदम। मैंने यहाँ से लिया है, आपकी जो हैंड्स होंगे रिस्ट होगी एकदम कलाई और जो एल्बो होगी उसके अकॉर्डिंग चलेगी इस तरीके से। बॉडी रोल नहीं करनी है, कॉन्सेंट्रेट करना है। आप लोगों ने यहाँ पे देखा होगा इसने मेरे को कितना सपोर्ट किया है, यहाँ पे लग गया। अगर मैं ज्यादातर कैसे करता हूँ, इस तरीके से करता हूँ, इसमें क्या होता है मेरे पैर हिलते हैं, मेरी बॉडी रोल होती है, मेरे को अपने आप को कंट्रोल करना पड़ता है उसमें। क्यों? क्योंकि ग्रिपिंग अच्छे से नहीं बन पाती है, क्योंकि जब वेट ऊपर जाता है तो आपको जोर लगाना पड़ता है, और जोर लगाना पड़ता है तो आपके पैर बहुत हेल्प करते हैं आपकी सपोर्ट देने में, वेट को लिफ्ट करने में। बट यहाँ पर मैंने इस तरीके से रखा, तो यहाँ पर रखने के बाद में जो मेरी बॉडी वो बैलेंस बन गया, इससे क्या हुआ बॉडी रोल नहीं हुई, और मेरे को मैंने सिर्फ अपने शोल्डर से जिस मसल को रेडी कर रहा हूँ उससे ही सपोर्ट लिया है, यानी कि उसे ही प्रेशर डाला है। तो इसके आप 3 सेट ले सकते हो अच्छे शोल्डर बनाने के लिए, एक अट्रैक्टिव शोल्डर बनाने के लिए, ताकि आप टी शर्ट वीशर्ट डालें तो एकदम स्मार्ट दिखें, मस्त दिखें, शेप में आएगी तो मज़ा आएगा। चलते हैं अपनी दूसरी एक्सरसाइज की तरफ, जो शोल्डर आज मैंने अपने शोल्डर करे हैं, और शोल्डर कितने अच्छे और शेप में आ रहे हैं। वो सिर्फ इसीलिए क्योंकि मैं अपनी जो एक्सरसाइज होती है इतनी इंटेंसिटी के साथ, इतने कॉन्सेंट्रेशन के साथ करता हूँ कि मेरे को कुछ और नहीं दिखता जब मैं जिम में होता हूँ। जो मसल मेरे को ट्रेन करनी है, तोड़नी है, ग्रो करनी है, सिर्फ उसी पे मैं काम करता हूँ। तो आप देख सकते हो कितने अच्छे शोल्डर आ रहे हैं, इतने अच्छे शेप में लाने के लिए बहुत मेहनत लगती है, और मेहनत के साथ साथ आपका पेशेंस चाहिए, पेशेंस लेवल इतना होना चाहिए कि मज़ा आ जाए। तो गाइज अपनी जो तीसरी एक्सरसाइज होगी शोल्डर पे, वो होगी आर्नोल्ड प्रेस। आर्नोल्ड प्रेस में हम हैवी वेट लेंगे, क्यों? क्योंकि शोल्डर अच्छे ब्रॉड चाहिए, शेप में चाहिए, और ग्रोथ करनी है तो हमें अपना जो डंबल होगा वो होगा हैवी वेट में जाएंगे। मैं अपना 15 से स्टार्ट करूँगा, 15 से स्टार्ट करने का भी रीज़न यही है क्योंकि मेरे को फिर 17 और 20 पे जाके एंड करना है अपना तीसरा जो मेरा सेट होगा। तो 15 से लेंगे। आर्नोल्ड प्रेस कैसे करना है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सिंगल सिंगल हैंड कर लेंगे, अगर आप लोगों को स्ट्रेंथ की इशू है तो सिंगल सिंगल हैंड कर लेंगे, आपके पास ऐसा बेंच होगा, और कभी भी आपको अगर अपना लिफ्ट करना है वेट तो इस तरीके से करना है जैसे कि मैंने अपने पहले ब्लॉग्स में भी बताया हुआ है। आपका जो वेट होगा यहाँ पे होगा, इन शोल्डर्स पे बिल्कुल कोनों पे यहाँ पे होगा, और जब ऐसे करना है अपने इस बार घुमा के थोड़ा सा, और जब ऊपर जाएगा तो इस तरीके से जाएगा, कलाइयाँ थोड़ा सा अंदर की तरफ कर ले, ये इस तरीके से ऐसे। ये हमारे शोल्डर के लिए है आर्नोल्ड प्रेस, जो कि बहुत फेमस एक्सरसाइज है, बहुत ही अल्टीमेट एक्सरसाइज है आपके शोल्डर्स को ब्रॉड करने के लिए उनको। तो ये हमारे लिए जो था मैंने आप लोगों को बताया तीसरा और लास्ट एक्सरसाइज था आर्नोल्ड प्रेस। हैवी पे ही जाना है इसमें, मैं आप लोगों को लाइट पे नहीं बोलूंगा। अगर आप लोगों को शेप के साथ साथ आप लोगों को ब्रॉडनेस लानी है अपने शोल्डर्स पे, यानी कि फ्रंट शोल्डर पे बैकवर्ड, तो ये ऐड ऑन करें अपनी एक्सरसाइज में। तो गाइस अब मैं अपना प्रोटीन लूंगा, मेरा वर्कआउट हो गया है डन, और बैटरी बिल्कुल डाउन हो चुकी है, आवाज़ जो है बैठ गई है बिल्कुल, बट एक्सरसाइज करनी है मेरे को ये हो जाता है कि एक दिन मेरा वेस्ट ना जाए, वेस्ट इन द सेंस कि ख़राब हो जाता है अगर एक दिन एक्सरसाइज ना हो। अब एक्सरसाइज कर लिए तो थोड़ी एनर्जी आ गई है, जाऊँगा घर कुछ अच्छा सा खाऊँगा और
फिट फील करूँगा। तो आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही था, और गुरुजी हमारे बहुत हेल्प कर रहे हैं, हमारी बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा पॉजिटिवनेस देते हैं एक्सरसाइज करने में। जैसे ही घर से आते हैं, घर में बिल्कुल ऐसे होते कि नहीं जाना, पर इनका फ़ोन आ जाता है कि आजा थोड़ी थोड़ी कर लेंगे, टेंशन मत ले। तो इन्होंने बहुत सपोर्ट करा है मेंटली भी और फिजिकली भी। तो देखो गुरुजी कितना प्यार करते हैं। तो चलो ठीक है, आज के लिए मेरी तरफ से मेरे ब्लॉग में यही टिप्स और यही सेशन था। मैं ऐसे व्लॉग्स लेके आता रहता हूँ अपने वीडियोस में फिटनेस से रिलेटेड। अगर आप फिटनेस लवर हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, और कमेंट ज़रूर करें, और पूरी वीडियो ज़रूर देखें। चलो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।